कुछ नहीं दीदी, अब बोलो भी, का एंगेजमेंट टूट गया दहेज वो क्यों? के कारण। लड़के वालों ने बोला 25 लाख, पापा ने कहा 20, पर लड़के का प्राइस तो फिक्स था, नो बार्गेनिंग। अब वो दिन दूर नहीं जब उन लड़कों को ले जाके बाजार में बोलियां लगाएगी, ये दूल्हा 20 लाख का, वो 25 लाख का और वो 30 लाख का। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा भी बोली लगेगा एक दिन। तुम्हारे भैया का शादी पिछले साल था ना, तो जब भैया को फॉर्चुनर मिला तब तो पापा से नहीं बोली होगी कि पापा भैया को क्यों बेच दिए। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है? आजकल हर किसी का यही प्रॉब्लम है, और खास करके लड़कियों का। जहां भी देखो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह हैशटैग दहेज लो भी लड़का। क्यों, तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं है क्या? लेकिन नहीं, अपने भाई की शादी में भाभी के यहां से आया हुआ डिजाइनर लहंगा पहनना है, उसी लहंगे के साथ सेल्फी डालेंगी, हैशटैग भाभीज गिफ्ट। मतलब लेना पड़े तो गिफ्ट और देना पड़े तो दहेज। वाजी वाह। और तुमको क्या लगता है, इतना बड़ा बड़ा कैंपेन चला के नीतीश कुमार दहेज रोकवा लेंगे? अगर सच में कोई दहेज रोकवा सकता है तो वो तुम और तुम्हारी जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां। या तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो या बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, लेकिन नहीं, खुद का मुंह नारियल जैसा हो। लड़का ही नहीं चीकू चाहिए, अरे तुमको कोहली चाहिए, तो तुम भी अनुष्का बनो ना यार। लेकिन नहीं, बाप का जमीन बिक जाए, बाप का जायदाद बिक जाए, खुद बाप बिक जाए, लेकिन अनपढ़ से अनपढ़ लड़की को भी लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। आज हर लड़की ये तय करे कि अगर हम मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पास लड़के शादी करेंगे, अगर इंटर पास हैं तो इंटर पास लड़के शादी करेंगे। जहां है, जिस लेवल पे है, उसी लेवल के लड़के शादी करेंगे। तो ना कोई बाप बिकेगा, न कोई बेटी जलेगी। और उस दिन तुम हक से कहना कि मैं भी ये, तुम भी ये, तो दहेज किस बात का?